अस्सलाम फ्रेंड, तन्नू मनु देसी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, अंगूर तो हम सभी ने खाए होंगे, लेकिन कभी इस तरीके का अंगूर ट्राई करके देखिए, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी ज्यादा ना बकबक करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो मैंने यहाँ पर 400 ग्राम अंगूर लिया है और उसमें देखिए 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसमें कुछ मसाला ऐड करूँगी, जैसे कि 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और यहाँ पर देखिए 1/2 कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपका अंगूर ज़्यादा खट्टा या मीठा हो, आपके अकॉर्डिंग से इसमें चीनी ऐड कर सकते हो। अभी मैं देखिए 2 टीस्पून यहाँ पर छोटे चम्मच का 2 चम्मच यहाँ पर सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। अब इसको देखिए मसालों को, चीनी को अच्छे तरीके से इसको हम मिलाएँगे। मैंने एक पैन लिया है और पैन में देखिए 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा और यहाँ पर 5 फोड़ंग होता है ना, 1 चम्मच 5 फोड़ंग को ऐड कर रही हूँ। और इसको ना बिल्कुल लो फ्लेम में इसको भूनेंगे, जिससे कि हमारा जो मसाला जो है वो बहुत ही क्रिस्पी हो, क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है। तो देखिए अभी हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भून चुका है, तो मैं मिक्सी बाउल में इसको निकाल दे रही हूँ। और देखिए हमें ना इसका ना बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा पाउडर बनाना है। अभी आप देख सकते हो, और मैं पहले से ना ओवन में चढ़ा देती हूँ अंगूर को, तो अंगूर से थोड़ा सा पानी निकला है और चीनी भी मेल्ट हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर 12 से 14 ना काजू ऐड कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर काजू भी सॉफ्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो अंगूर है ना वो भी बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। और देखिए अंगूर का कलर ग्रीन होता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर आने के लिए ना इसमें थोड़ा सा ऐड की हूँ। अभी देखिए ग्रीन कलर भी डालने के बाद हमारा जो मसाला है ना, मसाला को भी ऐड कर दूँगी। मैं ज़्यादा मसाला नहीं दूँगी, बस थोड़ा सा मसाला डाल के इसको 2 मिनट तक फिर से ढक के कुक करूँगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो अंगूर में अभी भी पानी है, तो इसी वजह से मैं इसको फिर से 2 मिनट तक कुक करूँगी। तो 2 मिनट तक कुक होने के बाद देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है और हमारा अंगूर, काजू सभी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी मैं ओवन को बंद करूँगी और इसको एक कटोरी पे निकाल लूँगी। तो आप लोग देख सकते हो इसका टेस्टर, और सच में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। मतलब खट्टी, मीठी, तीखी, बहुत बढ़िया लगता है। कभी इस तरीके से ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के संग। बाय बाय।